ओके ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, और मल्टीप्लाई किस चीज से करने के लिए यूज करते हैं, टू से, और डिवाइड भी टू से ही। तो इसीलिए जो है आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बात करते हैं या पेजिंग कॉन्सेप्ट की बात आप करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमेशा जो है हम जो भी वैल्यूज लेते हैं, जो भी नंबर्स लेते हैं, वो हमेशा टू के मल्टीपल्स में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होता है वो शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ 2 बिट राइट शिफ्ट किया तो डिवीजन हो जाता है, या लेफ्ट शिफ्ट किया तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो इस वजह से जो है कंप्यूटर में जो भी आपकी मेमोरीज होती हैं, चाहे वो 256 KB हो, ठीक है, या फिर 512 KB हो, या रैम हो, रैम की बात कर लो तो वो भी 2 के मल्टीपल्स में आता है, ठीक है, मोस्टली। तो ये सारी चीजें जो होती है इसीलिए 2 के मल्टीपल्स में आती हैं, क्योंकि अगर हमें इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है मेमोरी में, या पेजिंग कॉन्सेप्ट में भी हमें अगर पेजेस में कोई मॉडिफिकेशन करना होता है, तो वहां पर ये बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाना, क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स की हेल्प से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि जो है हमारे पास जो है एक नंबर है, इंट, एक मैंने नंबर ले लिया, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 16। ओके, मैंने एक नंबर ले लिया एक्स, और एक्स में मैंने 16 को सेव करा लिया है, और एक्स में मैंने एक्स राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया। अब यहाँ पर आप देखें तो जिस तरफ जो है ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ओपन का मतलब ये आप देख सकते हो किस तरह, ओपन का मतलब जिधर तरफ उसका मुंह खुला है, बेसिकली आप ये समझ सकते हो। तो वो उस तरफ जो है आपकी बाइट बिट की शिफ्ट वो हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाती है। यानी अगर आप यहाँ पर देखो तो ये फॉरवर्ड की आगे की तरफ है, ठीक है, तो जो है आपका क्या कहते हैं, आगे की तरफ वैल्यूज को शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, अगर मान लीजिए आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो 32 बिट्स में बेसिकली हम इंटीजर को स्टोर करते हैं ना, ये क्लियर है सबको, 32 बिट्स में सेव करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये जो है हमारा 16 है, क्या ये जो है 32 बिट में मैंने लिखा हुआ है 16। ओके, ये कंफर्म, ये चीज इसमें किसी को डाउट, ये 16 है कि नहीं है, 1000, ये 16 है। तो बाकी की जो बिट्स हैं वो तो जीरो रहेंगी ना, इधर की कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा इंटीजर जो है 32 बिट स्पेस लेगा। अब जो है यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 बिट जो है राइट शिफ्ट किया हुआ है, ये ध्यान रखिए कि इसको हम राइट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, ये राइट शिफ्ट आगे की तरफ एरो है, आप सिंपल समझिए आगे की तरफ एरो, तो ये राइट शिफ्ट होगा आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे की तरफ 2 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आगे की तरफ 2 शिफ्ट हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इस देखो आगे की तरफ मैंने 2 बिट इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 1 2, और फिर यहाँ पर सॉरी 3 शिफ्ट किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 शिफ्ट किया आगे मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 जो है एक एक शिफ्ट होगा तो 1 इस प्लेस पे आ जाएगा, इधर शिफ्टिंग होगा तो इस प्लेस पे आ जाएगा, और जैसे ही हम थर्ड शिफ्टिंग करेंगे तो 1 यहाँ से चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारा नंबर तो ये था बेसिकली 1000, तो अब ये 2 बिट्स आगे की, आप ऐसे समझो कि आगे की 3 बिट्स जो है ना वो खत्म हो जाएंगी जब आप राइट शिफ्ट करोगे, जब उसे आगे की तरफ मूव करा दोगे, या आप ऐसे समझो कि यहाँ से आप 1 2 3 आपने 3 बिट्स को मूव करा दिया, ये जो ये अब आपके पास बचा, ये बचा ना आपके पास, ये चीज समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कैसे शिफ्टिंग का कि मैंने जो है यस सर 3 बिट शिफ्ट कर दिया 1, ठीक है। अब ये 3 बिट
3 बिट के बाद यहाँ से ये नंबर चालू होगा 1000। अब क्योंकि स्पेस तो हमारे पास सिर्फ दो ही रह जाएगा, दो बिट ही रह जाएंगी, तो ये दो बिट्स जो है यहाँ पे आ गई, लेकिन जो ये जो आगे की जो बाकी बची हुई बिट्स थी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नंबर हमारे पास था 16, और जब हमने इसको राइट शिफ्ट किया तो 3 हो गया। तो राइट शिफ्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड बाई 2। तो आप बता सकते हैं कि किस चीज से डिवाइड हो गया है 16 को, मैंने किस चीज से डिवाइड किया होगा? डिवाइडेड बाई 2 से तो सर हुआ है 2 की पावर 3। 8 से 2 की पावर 3। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो 2 की पावर 3 से हो रहा है। तो ये कहने का मतलब, जब आप यहाँ पर लिख देते हो राइट शिफ्ट विथ 3 3 बिट्स, तो वो 2 की पावर 3 से वो नंबर डिवाइड हो जाता है, और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो डिवाइड करने के बाद मिलता है 2 की पावर 3 से। ये चीज क्लियर, ये कैसे हुआ होगा, ये क्या हो रहा है? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बोले, अगर बोलेगा नहीं तो फिर मैं उसे, कोई फायदा नहीं है ना लेक्चर लेके। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे तो मैं और एग्जांपल लूंगा। बता सर, दो टाइप की हाँ सिस्टम होती है ना, एक अरिथमेटिक होता है और एक सिंपल सिस्टम होती है। हाँ इसी की आप, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, ओके। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया, इस वजह से आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ, तो या मैंने बता दी थी, वो थ्री डिवाइड वाला वाला समझ नहीं बता आया कैसे दीजिए। आया। सर डिवाइड वाला बता दीजिए सर। हाँ डिवाइड वाले ही बता रहे हैं। देखो आप, सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, आईडीई पे ही समझाता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। मैं इस प्रोग्राम को ही खत्म कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम एक int x equals to 16 ले लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, और इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं, और एक्स में हम फोर बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, और SYSOU सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने के बाद हम एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब, जैसे ही आप इंट एक्स इक्वल टू 16 लिखते हैं, तो क्योंकि ये जो है इंटीजर आपका 32 बिट्स लेता है, तो वो मेमोरी में कुछ इस टाइप से सेव हुआ होगा, राइट? ठीक है, और अब आपने क्या करा है, यहाँ पर एक्स में 4 बिट राइट शिफ्ट किया है। 4 बिट राइट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास जगह तो देखो इतनी है, 32 ब्लॉक्स है। आप ऐसे समझ लो कि 32 ब्लॉक्स हैं, उन्हीं 32 ब्लॉक्स में जब आप 4 शिफ्ट कर दोगे तो होगा क्या, एक यहाँ पे आपने इसको एक शिफ्ट किया तो 1 इस प्लेस पे आ जाएगा, 2 शिफ्ट किया तो 1 इस प्लेस पे आ जाएगा, 3 शिफ्ट किया तो 1 इस प्लेस पे आ जाएगा, और 4th शिफ्ट किया तो आप जो है 1 इस प्लेस में आ जाएगा। यानी जब आप इसे शिफ्ट कर दोगे 4 से, तो यहाँ पर जो होगा इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जब इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी, तो आप ये बताओ ये क्या है, ये बाइनरी में जो वैल्यू है, ये डेसिमल में क्या है इसकी वैल्यू, जो बाइनरी वैल्यू दी हुई है आपको, वन इसकी डेसिमल वैल्यू 1 है, आर यू श्योर? तो यस सर, टू यहाँ पर आप पावर देख, जीरो यहाँ पर देख रहे हो डिवीजन बाई 2 टू द पावर 4 हो रहा है डिवीजन, फोर तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। तो वन आप इसको एक बार रन करा लेते हैं, रन करा लीजिए, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है हम शिफ्ट ऑपरेटर्स की हेल्प से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो मुझे कोई बताएगा व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस, सर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 की पावर 2 जितना हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, चलिए 4 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको रन कराएंगे, सॉरी मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, देखिए यही चीज हुआ, मैंने सेव नहीं किया था तो वही आउटपुट आ गया, और यहाँ पर आप स्टार देख सकते हो, मुझे कंट्रोल एस प्रेस करना है, उसके बाद इसको यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके रन करा सकते हो सेकंड टाइम, अगर आप रन करा रहे हो तो यू कैन सी द आंसर इज 256। तो हुआ क्या, बेसिकली 2 की पावर 4 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है,
यहाँ पर 2 की पावर 4 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, किस नंबर का? 3 का, 16 का मल्टीप्लिकेशन बाई 2 की पावर 4। यहाँ पे इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा था हमारा 256 आई थिंक ना। और हुआ क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर int x equal to 16 है तो आपका ये 16 है। अब यहाँ पर आप जो है लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा ऑपरेटर का, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एरो किस तरफ है, लेफ्ट तरफ, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब यानी कि 1 की जो पोजीशन है वो 4 बिट्स इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आप जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे बनाएगा, सेकेंड शिफ्ट यहाँ पे बनाएगा, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, तो यहाँ पर आपका बेसिकली 1 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सर। जी 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 पूछिए। मल्टीप्लिकेशन नहीं किया सर, वहाँ डिवाइड किए थे सर। वहाँ पे जो हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रुको। ये वहां पर मैंने जो ऑपरेटर, वहां पर मतलब मैंने अभी यूज किया था, वहां पर यूज किया था मैंने राइट शिफ्ट, ये ऑपरेटर था। ठीक है, जब ये वाला ऑपरेटर आप यूज करोगे राइट शिफ्ट, तो डिवीजन होगा उसकी पावर से, यहाँ 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, और अगर आप जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हो कि किस तरीके से जो है बिट की शिफ्टिंग होती है। अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट 4 किया है तो जो 1 यहाँ पे था, जो नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये नंबर अब 1 2 3 4 इधर से, यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चालू होगा, और क्योंकि अब ये स्पेस तो खाली हो जाएगा इतना, जब आप ये समझो कि 1 जो है कितने बिट शिफ्ट होना है लेफ्ट में, 4, तो आप क्या करो 1 3 4 इधर आ गया, लेकिन अब ये स्पेस बच गई आपकी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका कंपाइलर, 0 फिल कर देगा। तब जब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 256। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम शिफ्ट ऑपरेटर्स में, किसी कोई प्रॉब्लम, कम से कम रिप्लाई तो किया करो, पता लगे, समझ लो सर। नो सर, चलो ठीक है। अब लास्ट आपका बचता है बिट वाइज ऑपरेटर, इसको भी खत्म ही कर देते हैं हम आप सारे ऑपरेटर्स, फिर कल जो है एरे में आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम इसको कंट्रोलाइज कर लेते हैं। अब एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं न्यू पे, और जावा प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, आप नाम दे दो यहाँ पर बिट वाइज ट्रेनिंग, फिनिश कर दीजिए, और यहाँ पर आप देखो तो ये इसको काट दीजिए। यहाँ पे बिटवाइज ट्रेनिंग आपका प्रोजेक्ट बन गया है। आपको क्या करना है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, SRC और ये GRE सिस्टम लाइब्रेरी। फिलहाल आपकी कोई क्लास नहीं है, अगर होती तो वो SRC फोल्डर के अंदर होती, और आपको यहाँ पर एक आइकन दिख जाता है एक्सपेंड के लिए, लेकिन आइकन दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई भी अंदर फाइल नहीं है। तो आपको नई क्लास बनानी है, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास पे क्रिएट कर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए क्लास का बिट ट्रेन। ठीक है, मैंने बिट ट्रेनिंग कर देता हूँ नाम। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए क्लास टेम्पलेट प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक क्लास बिट ट्रेनिंग। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको मेन मेथड लिखना है तो आपको क्या टाइप करना था, कंट्रोल स्पेस दबा दोगे और इंटर मार दोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, या तो आप पूरा लिख भी सकते हो, कोई वो नहीं है, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। तो जो हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका, ये तो हो गया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। शिफ्ट ऑपरेटर्स में आपने पढ़ ही लिया है, नाउ इट्स द टाइम ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर्स। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर नहीं बताया, अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोग को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो नाउ बिट वाइज ऑपरेटर्स, नाम से ही पता लग रहा है बिट वाइज, यानी कि बिट बाई बिट। ठीक है, बिट बाई बिट ऑपरेटर का मतलब वही है कि अगर आपने एंड लगा दिया तो बिट बाई बिट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कैसे होंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो तीन तरीके के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज और, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं तीन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। इसे हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। सारे ऑपरेटर्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो है मैं एक नंबर ले लेता हूँ, int a is equals to 2 ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ int b equals to, एक मिनट, स्क्रीन सबको शो हो रही है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हो रही है सर। मेरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ओके ओके। हम कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं int x या a भी, कुछ भी आप ले लो। int x इक्वल टू, मान लो आपने ले लिया 7, और यहाँ पर आप ले सकते हो कोई भी नंबर। इंट वाई इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ। चलो तो 7 और 9 बेसिकली मैंने दो नंबर लिए हैं, ठीक है। इसका आप जानते हो कि किस तरीके से हमें 32 बिट में जो है रिप्रेजेंटेशन करना होता है? कितने बिट्स हो गए ये? ओके, कितने बिट्स हैं भूल गए मैं। चलिए मैं फिलहाल अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो है टोटल 32 बिट्स हैं। तो 7 लास्ट में आपका क्या होगा? 0111 होगा। और इसी तरीके से अगर आप 9 को देखो तो क्या होगा? 678। So, इसका आउटपुट आप लोग को पता है क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर आप देखो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट। 1 आएगा सर। हाँ 1 आएगा, वेरी गुड। आप यहाँ पर अगर देखो तो 0 और 1 का एंड अगर आप करोगे तो क्या आएगा? 0 1 और 0, ये ऊपर नीचे आप देख रहे हो ना, 1 और 0 का आपका क्या एंड क्या आएगा? 0। इसी तरीके से इसका 0, और लास्ट में क्योंकि दोनों सेम है तो इसका एंड जब आप करोगे बिटवाइज एंड तो 1 आएगा। तो ये बिटवाइज का मतलब यही है कि बिट बाई बिट कर रहे हैं हम 0, इसके जो पार्टिकुलर पोजीशंस की जो बिट्स हैं उनमें जो है हम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। 0 1 के बीच में यूज करा, फिर 1 और 0 के बीच में, इसी तरीके से यहाँ पर 1 और 0, और फिर 1 1। तो इनका जब आप एंड करोगे बिट वाइज तो आपका ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली अगर आप डेसिमल में देखो तो क्या है ये? 1। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? 1। तो दिस इज कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेशन। अब इसको जब सेव करेंगे, ये स्प्रिंग प्रोग्राम कहाँ से रन हो गया? सॉरी फॉर दिस पार्ट, देते हैं क्योंकि मैंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको रन एस पे क्लिक करना है और फिर जावा एप्लीकेशन पे आपको जाना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हो तो मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा और ये प्रोग्राम का आउटपुट ये है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तो किसी की दिक्कत है बिटवाइज एंड, इसी तरीके से और भी ऑपरेटर्स हैं आपके, ठीक है। एक्स और वाई हो गया आपका, ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो है एक्स, और ये आपका एक्सक्लूसिव सॉर हो गया।
क्या आप अभी आप लोगों में से किसी एक ने कहा था कि नॉट बी होता है, इज इट कैन नॉट होता है? नॉट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन ही ऑपरेटर लिखे हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड होता है जावा में, आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, ध्यान रखिएगा। बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, और आपका ये एक्सक्लूसिव XOR होता है। जावा में ये तीन ही बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जनरली आपके, ठीक है। तो यह आपका आउटपुट आप लोग को पता है क्या होगा और कैसे आउटपुट आना है वो भी मैंने आपको बताया। नॉट में जी, नॉट में भी लगाएंगे तो उसके बिट्स चेंज होंगे ना? नहीं देखिए, मैं यहाँ जावा में ये चीज पॉसिबल नहीं। अगर आप यहाँ पर लगते हैं नॉट एक्स, ठीक है, तो ये चीज एरर, ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। द ऑपरेटर नॉट इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप, जावा में ऑपरेटर नहीं होता है, ठीक है। सी में सपोर्ट करता है ये? सी में आई थिंक सपोर्ट करता है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे भी सी पढ़े हुए टाइम हो गया, ठीक है। मैं अब जावा में आ गया हूँ, तो जावा में जो है ये चीज, जब हम ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है किसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होगा या कौन सा नहीं होगा। फिलहाल जावा में तो मैं ये हूँ कि जावा में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया हो किस तरीके से कौन से तीन बिटवाइज ऑपरेटर्स जावा में होते हैं, ठीक है, और कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमारा आज का सेशन खत्म होता है, और आज के सेशन में हमने काफी चीजें सीखी हैं। तो सबसे आई थिंक जो सबसे नई चीज आपको सीखने को मिलेगी मेरे ख्याल से, तो वो यही है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। कि कुछ और भी नया सीखने को मिला आज? सर नॉट नहीं होता है? नहीं नहीं जावा में तो फिलहाल नहीं है। आप यहाँ पर अगर आप देखें, सिस आउट करें, और यहाँ पर अगर आप लिख दे नॉट एक्स, इज इट है क्या? नहीं है ना, तो जावा में नहीं है ये चीज, ठीक है। आप अच्छा, सबसे अच्छी बात ये क्या है आईडी की, जब आप यहाँ पर आपने नॉट एक्स लिखा तो आपको रन कराने की ऑलरेडी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख लो रेड अंडरलाइन आ रहा है, तो ये रेड अंडरलाइन जो है एरर जो है आपको इंडिकेट कर रहा है। जब आप कर्सर ले जाओगे उस रेड लाइन पे तो आपको बता देगा द ऑपरेटर इज अनडिफाइंड फॉर द आर्ग्यूमेंट टाइप, ओके। इस तरीके से आप एरर भी इसमें जो है बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। आईडी यूज करने का ये फायदा है। तो किसी को अभी तक के जो भी सेशन में हमने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है? नो सर नो सर नो सर